नमस्कार मैं हूं शशि झारखंड अनलॉक फोर में कोई नई छूट नहीं एक जुलाई तक के लिए निर्देश जारी झारखंड में अनलॉक फोर गुरुवार 24 जून से शुरू हो रहा है बता दें इसके लिए बुधवार को नए निर्देश जारी कर दिए गए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में फिलहाल कोई नई छूट नहीं दी गई है बता दें एक जुलाई सुबह छः बजे तक पहले से लागू पाबंदियाँ ही जारी रहेंगी राज्य में सभी दुकानों के साथ मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर शाम चार बजे तक ही खुलेंगे वहीं विकेट पर संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छः बजे तक रहेगा इस दौरान मेडिकल सेक्टर पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और दूध के आउटलेट खोलने की अनुमति रहेगी कोरोना का डेल्टा प्लस म्यूटेट बेहद खतरनाक कोरोना के दूसरी लहर में कहर बर पाने वाले डेल्टा म्यूटेट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है बता दें महाराष्ट्र केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है साथ ही केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है बता दें राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि डेल्टा प्लस के कारण तीसरी लहर के आने की संभावना जताते हुए रोकथाम के उपायों पर जोर देने की हिदायत दी है झारखंड में एक माह के अंदर ढेरों सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है जल्द ही राज्य में ढेर सारी सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलने वाला है इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के संग बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए उन्होंने एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति का वर्ष भी घोषित कर रखा था सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महा के साथ बैठक की इस दौरान राज्य में विभिन्न भी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया साथ ही एक महीने के अंदर नियुक्ति संबंधी नियमावली को लेकर सभी विसंगतियों को दूर कर जल्द विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है झारखंड में हर पाँच में से एक युवा बेरोजगार नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक राज्य में हर पाँच में से एक युवा बेरोजगार है वहीं राज्य में सात लाख से अधिक युवाओं ने नियोजनालय में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है बता दें सेक्टर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2021 में राज्य में बेरोजगारी दर 16.5 फीसदी पर पहुंच गई हालांकि इससे पहले बेरोजगारी दर आठ फीसदी के करीब थी राज्य गठन के बाद से अब तक तिरासी सौ छब्बीस नियुक्तियां रद्द भी हो चुकी है निजी स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई रांची उपायुक्त रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि नियम विरोध मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी इसमें सी बी एस ई आई सी एस ई और राज्य बोर्ड से समय प्राप्त स्कूल शामिल हैं डीसी बुधवार को झारखंड अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में बोल रहे थे उन्होंने संघ के अध्यक्ष अजय राय को आश्वस्त करते हुए कहा कि कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता है यदि किसी स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसा किया गया है तो उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करें हेमंत सोरेन झारखंड में कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर कर लिया जाएगा इसके लिए मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को शासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह प्रधान सचिव कर्मिक प्रशासनिक एवं राज्य भाषा विभाग वंदना डाडेल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की सीएम हेमंत की पहल पर उत्तर प्रदेश से मुक्त हुए 33 आदिवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ईट भट्टे पर काम करने वाले झारखंड के 33 आदिवासी श्रमिकों और नौ बच्चों को बुधवार को ट्रेन से रांची रवाना किया गया बता दें इन श्रमिकों ने शिकायत की थी कि उनके श्रम का भुगतान नहीं किया गया है और उनसे अमानवीय ढंग से काम लिया जा रहा है उन्होंने ईट भट्टा मालिक पर बंधक बनाए जाने की भी शिकायत की थी बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जब यह शिकायत पहुंची तो उन्होंने अफसरों को इस दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया बस चालक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मांग की मुआवजा अपनी मांगों को लेकर बुधवार को बस चालक कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर मांग पत्र सौंपा मौके पर संघ के अध्यक्ष व सचिव मंत्री से कहा कि लॉकडाउन के कारण एक साल से बसों का परिचालन बाधित रहा है जिसे बस में कार्यरत बस चालक व कर्मचारी के सामने भूखमरी की समस्या आ चुकी है सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है दूसरी लहर में झारखंड के कितने बच्चे हुए प्रभावित आकलन होगा कोरोना की दूसरी लहर अब जब उतार पर है तो इसमें प्रभावित बच्चों की संख्या में जानने की कोशिश तेज हो चली है बता दें इस दौर में झारखंड में कितने प्रतिशत बच्चे संक्रमित हुए इसके लिए आई की ओर से सीरो सर्वे का काम कराया जा रहा है झारखंड के तीन जिले लातेहार सिमडेगा और पाकुड़ में सर्वे मंगलवार से शुरू हुआ बता दें आई की 16 सदस्यीय टीम आई है जो तीनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ सैंपल लेने का काम करेगी झारखंड में एक नए केस मिले हैं झारखंड में दो मरीज की मौत हुई है झारखंड में कुल मौत की संख्या इक्यावन है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या तेरह है भारत में चौवन नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या छः लाख इक्कीस झारखण्ड में एक्टिव केस इस प्रकार हैं रांची चार पूर्वी सिमूह एक सौ बावन हजारीबाग नब्बे बोकारो उनचास धनबाद उनसठ रामगढ़ तेरह पश्चिमी सिमूहू बत्तीस कोडरमा आठ पलामू बाईस देवघर चौंतीस गुमला अंठावन गिरिडीह छत्तीस खोटी पैंतीस लातेहार सत्रह सरायकला खरसावा छत्तीस सिमडेगा इक्यानबे गढ़वा तीस लोहरदागा तेईस चतरा इक्यावन गोड्डा आठ जामतरा बीस साहेबगंज सत्रह दुमका अट्ठाइस पाकुड़ में एक मरीज एक्टिव हैं शिक्षक अभिभावक की तरह छात्रों का मार्गदर्शन करें राज्यपाल राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और बिनोवा भाई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की राज्यपाल ने इस वैश्विक आपदा काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उन्होंने दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया कि इस चुनौती भरे समय में शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अभिभावक की तरह निरंतर मार्गदर्शन करते रहे या सुनिश्चित हो घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचने पर कार्रवाई खराब क्वालिटी के हेलमेट पहनने के कारण कई बार हादसों में बाइक सवारों की जान चली जाती है बता दें राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने खराब क्वालिटी के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने व हेलमेट विक्रेताओं के लिए भारतीय मानक आई एस इकतालीस इक्यावन बीस पंद्रह की बिक्री का आदेश जारी किया है बता दें राज्य सरकार के परिवहन विभाग के सचिव के के सोन ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है पत्र में जिक्र है कि सभी हेलमेट विक्रेताओं के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट गुणवत्ता आदेश 2020 जारी किया है यह आदेश 1 जून 2021 से देश भर में लागू है पीएम केयर फंड से झारखंड को मिले छियालीस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भारत सरकार ने झारखंड को छियालीस सौ तीस ऑक्सीजन कंसट्रेटर आवंटित किए हैं बता दें पीएम केयर फंड से आवंटित ऑक्सीजन कंसट्रेटर में सोलह सौ छत्तीस पाँच लीटर प्रति मिनट क्षमता के हैं जबकि उनतीस सौ चौरानवे दस लीटर प्रति मिनट की क्षमता के बता दें भारत सरकार ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मुहैया कराने के साथ ही इसके रख रखाव निगरानी व उपयोग के लिए आईटी टी प्लेटफॉर्म दुरुस्त रखने की नसीहत भी दी है खुट्टी में दो आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म झारखंड के खुट्टी में दो आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है बता दें दुष्कर्म के बाद दोनों को खेत में छोड़कर आरोपित फरार हो गए बताया गया कि चार बाइक सवार युवकों ने दोनों युवतियों का अपहरण कर लिया इसके बाद हुरहूक के हिट्टे गांव स्थित स्कूल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया आरोपी युवतियों को देर रात करीब दो बजे खेत में छोड़कर फरार हो गए पुलिस घटनास्थल पहुंची है और जांच में जुट गई है बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू खोटी तथा लोहरदगा में मांगे गए आवेदन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है बता दें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए बेरोजगारों से आवेदन मांग कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित हैं इस आलोक में खोटी तथा लोहरदगा में आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बता दें राशि योग्य लाभार्थी को सिर्फ एक बार मिलेगा इस योजना के तहत सरकारी आईटीआई पॉलिटेक्निक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को पांच हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें कृषि सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दकी ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश दिया है उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है वहीं दूसरी ओर तीस जून को होल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों के बीच वितरण किए जाने वाले उत्पादनों को स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है देवघर डीसी ने वितरित किया राशन कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान देवघर जिले में रहने वाले असहाय निर्धन व गरीब परिवारों को हर समस्त सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है इसी कड़ी में बुधवार को देवघर उपायुक्त मंजूनाथ महंत्री ने बाबा मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पंडा व वा पुरोहित परिवारों सहित मंदिर प्रांगण के आसपास एवं फूल बेल बेलपत्र पूजा सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया है झारखंड में ब्लैक फंगस का एक मरीज कुल एक झारखंड में बुधवार को ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है बता दें राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या एक हो गई है इनमें तिरासी मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं जबकि चौन मरीज संदिग्ध हैं बेटियों को सुरक्षा देने में राज्य सरकार विफल गंगोत्री भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने खूटी में दो लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने बुधवार को कहा कि हेमंत सरकार में बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार दुराचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है बता दें खुट्टी में बाजार से लौट रही दो लड़कियों जिसमें एक नाबालिग है उसे अपराधियों ने दिन दहाड़े अगवा कर दुष्कर्म किया यह घटना राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन के चेहरे पर सीधा तमाचा है दुमका ज़िले में वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान करने के लिए दुमका डीसीवरी बी ने दुमका प्रखंड के पुराना दुमका पंचायत भवन का बुधवार को निरीक्षण किया बता दें डीसी ने टीकाकरण कार्य की जानकारी ली उन्होंने संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण अभियान में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं धन्यवाद